Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. Today we'll be doing chapter number 3, Autobiography of a Great Indian Bustard. तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई अपने बारे में अपने आप से लिखे. इसको हिंदी में हम आत्मकथा बोलते हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम हिंदी में गोड़ावड़ बोलते हैं या फिर मलढोक या होम भी बोला जाता है मराठी में. तो ये एक गोड़ावड़ की आत्मकथा है, मतलब वो अपनी कहानी आपको स्वयं यानी खुद सुनाएगा. विच इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया. तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि भारतवर्ष में कौन सी सबसे भारी उड़ने वाली चिड़िया है. वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो वो बोलता है कि वो मैं ही हूँ गोड़ावड़. आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. तो वो कह रहा है कि उसे इस बात में काफ़ी गर्व महसूस होता है कि वह एक घोड़ावड़ है और उसके 30 से भी अधिक नाम है भारत की विभिन्न भाषाओं में, जैसे कि मराठी में उसको मलदूक या होम के नाम से भी जाना जाता है. आई कैन वे अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप फॉर 4 फीट इन हाइट, रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर. तो ये काफ़ी भारी और बड़ी होती है या होता है. ये 18 किलो की होती है और 4 फीट की लगभग हाइट में भी होती है इसकी लंबाई. और ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि ये किसी इंसान की बराबर में खड़े हो तो उसके कंधों तक या उनसे ऊपर निकल जाए. आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड ब्लैक कैप ऑन माई हेड. तो अब वो अपना खुद का विश्लेषण करते हुए बोलता है कि उसकी गर्दन सफ़ेद होती है, भूरे रंग के उसके पंख होते हैं तथा पीले रंग के पैर और एक काले रंग की टोपी जैसी चीज़ उसके सर पे होती है. काले रंग के बाल कुछ उसके सर पे होते हैं जिन्हें वो टोपी बोलता है. माय वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट. तो वो अपनी वाइफ को भी इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि उनके नेक सफ़ेद नहीं है जैसे कि उसकी है और वो कद काठी में उनसे छोटी और पतली हैं. बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव. पर वे दोनों ही बहुत ही सुंदर दिखते हैं. आई लिव ऑन ग्रास लैंड्स इन डेजर्ट्स अलॉन्ग विद माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैकबर्ग, लार्क्स. तो वो अपने अन्य साथियों के साथ खुले मैदानों में और रेगिस्तानों में पाए जाते हैं. अन्य साथी जैसे चिंकारा, ब्लैकबक एंड लार्क्स. आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स, लिजर्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स, बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स. तो खाने में भी ये अधिकतर सभी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे कि सांप, छोटी छोटी मछलियाँ, छिपकली, छोटे छोटे फ्रूट्स, छोटे छोटे कीड़े मकौड़े. दे आर वेरी हेल्दी हैबिट बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड. तो वो कह रहे हैं कि ये सब बहुत ही हेल्दी होते हैं, लेकिन इन सब में से भी ग्रास हॉपर, बग और बीटल्स इनके फेवरेट होते हैं. When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us. तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है, ये सब इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं खुले मैदानों में, वहाँ जहाँ जनता की आबादी कम होती है. I perform a wonderful घोड़ावड़ होता है, ये एक अलग प्रकार का नृत्य करता है और अपने हवा भर के अलग सी आवाज़ निकालता है. दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वंस प्रोड्यूस्ड बाय द काउ. अपने गले में हवा भरने के कारण वो एक अलग सी आवाज़ निकालता है जो कि गाय की आवाज़ से
मिलती जुलती होती है। आई डांस इन जॉय विद पफ्ड आउट फेदर्स एंड कॉक्ड अप टेल एंड रॉब्ड आउट विंग्स। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट। तो वो खुल के नाचता है और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करता है, जिससे उसकी सोलमेट यानी जो दूसरे ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, जैसे कि फीमेल बर्ड्स लोग नहीं सॉरी फीमेल बर्ड्स उससे अट्रैक्ट होती हैं। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। मदर गिब लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट्स। तो ये कभी भी अपने नेस्ट या घोंसले नहीं बनाते और ये अपने एग्स डायरेक्टली ले करते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि पक्षियों में एक साथ कई सारे अंडे हैच होते हैं, लेकिन इन चिड़ियों में एक बार में एक ही अंडा आता है। वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स। तो इनके पास एक स्पेशल तरीके की ट्रिक होती है, जिससे ये अपने अंडों को दूसरे शिकारी जानवर और लोगों से बचा सकते हैं। क्या होती है वो, कि इनके अंडे बिल्कुल एक पत्थर की तरह लगते हैं, तो जब शिकारी शिकार करने आता है तो वो पत्थर में और इनके अंडों में कंफ्यूज हो जाता है और इनके अंडे बच जाते हैं। मॉनिटर लिजर्ड्स फॉक्सेस डॉग्स पिग्स स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स दी एग्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। तो ये कुछ पक्षी और प्राणी हैं जिनसे इनके अंडों को खतरा रहता है, लेकिन जो मदर होती है, मदर घोड़ावर, वो अपने अंडों की और बच्चों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है। By the time our young one hatches out of the egg, rains arrive. There's plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. जैसे जैसे उनके बच्चे अंडों से निकलना शुरू होते हैं, बारिश का मौसम आ जाता है और इसी प्रकार उनके पास काफ़ी खाना और पानी इकट्ठा हो जाता है। काफ़ी सारे कीड़े मकौड़े भी आ जाते हैं जिन्हें वो खा सकते हैं और उनकी फैमिली के लिए फ्रेश फूड उन्हें मिल जाता है। Young ones on the other bird soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many good habits from the mother. तो जैसा कि हम अधिकतर पक्षियों में देखते हैं कि जैसे ही चिड़िया अपने अंडे से बाहर निकल के आती है, वैसे ही वो उड़ना सीख जाती है और अपना घोंसला छोड़ के उड़ जाती है। लेकिन घोड़ावर के केस में ऐसा नहीं है। वो बच्चे अपनी माँ के साथ करीबन 1 साल तक रहते हैं और उनसे भिन्न भिन्न अच्छी चीज़ें सीखते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आर्स डॉक्टर सलीम अली। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ अ कंट्री बट द ऑनर वेंट टू अ ब्यूटिफुल रिलेटिव द पीकॉक। तो यहाँ पर घोड़ावर डॉक्टर सलीम अली के बारे में बात कर रहा है। डॉक्टर सलीम अली बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने पक्षियों के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च और पढ़ाई करी है। उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने ये राय दी थी कि घोड़ावर को नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन वो पीकॉक को कर दिया गया यानी मोर को। और इस बात का घोड़ावर को कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसको स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान घोषित किया गया। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आर प्रोटेक्शन बट सैडली आर नेम इज़ स्टिल गोइंग डाउन। तो यहाँ पर घोड़ावर बता रहा है कि उसकी प्रोटेक्शन और उसकी देखभाल के लिए 10 सेंचुरीज बनाई गई हैं। सेंचुरीज वो जगहें होती हैं जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है और उन्हें एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसा कि उन्हें नेचुरली नेचर में मिलता है, और वहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेडेटर्स या शिकारियों से। तो यहाँ पर घोड़ावर कह रहे हैं कि उनके लिए 10 सेंचुरीज बनाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो नंबर है, उनकी पॉपुलेशन का, उनकी जनता का, वो घटता ही जा रहा है। वी यूज़ टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। तो वो कह रहे हैं कि वो भारत के अधिकतर हर क्षेत्र में पाए जाते थे, लेकिन अब
90% से भी ज़्यादा उनके घर उजड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस जगह बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज खड़ी कर दी हैं, जिसके कारण उनके खुद के घर उजड़ गए हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। वो शिकारियों से भी डरते हैं जो कि उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए मार देते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। तो यहाँ पर उड़ा रहे हैं परिवार के काफ़ी सदस्य इस चीज़ से भी मृत हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स जो हवा में हम देखते हैं तार, वो उन्हें नहीं दिखते हैं और उसके कारण वो उनमें फंस के इलेक्ट्रिक करंट उन्हें लगता है और वो मर जाते हैं। वी आर लूजिंग आवर होम्स टुडे, ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कैन यू हेल्प अस। तो यहाँ पर घुड़ावर पक्षी हमसे मदद मांग रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ज़्यादातर घर खो दिए हैं और अब उनकी प्रजाति में से करीबन 200 ही बचे हैं पूरी दुनिया में। तो वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें जिससे कि उनकी प्रजाति और बढ़े और वो ख़त्म ना हो। यहाँ पर घुड़ावर ने हमें कुछ सजेशंस यानी कि राय दी हैं जिस प्रकार हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक द अपील टू अस। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम अपने बड़े बड़े नेताओं को, लीडर्स को पत्र लिख सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इनकी सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध करें। यू कैन मेक माई ड्राॅइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर, यू कैन डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। तो वो ये कह रहे हैं कि आप उनकी ड्राॅइंग यानी उनकी चित्र बना के अपनी टीचर को सबमिट कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के संग इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। कम टू एट आर सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। तो वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है और वो आपको अपनी सेंचुरी में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको अगर हमसे मिलना है तो आपको सेंचुरी में आना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नॉर्मली हर जगह नहीं मिलते हैं। एंड हु नोज इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस, नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट वन अर्थ वन डे, यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स। तो यहाँ पर घुड़ावर ने बहुत ही दुखी भरी बात करी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो सेंचुरीज में भी नहीं मिलेंगे और सिर्फ हम उन्हें चित्र में ही देख पाएंगे। तो इससे पहले बहुत देर हो जाए, हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे और ना सिर्फ घुड़ावर के लिए, ऐसे अन्य पक्षी, पेड़ पौधों और प्रजातियों के लिए जो धीरे धीरे करके नंबरों में घटती जा रही हैं जस्ट बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं नेचर का, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, और ये नहीं समझ रहे हैं कि हम उन बेचारे पक्षियों का और पंछियों का और पेड़ पौधों का घर उजाड़ रहे हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रकृति में अपने आप से नुकसान ना पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति के साथ मेल मिलाप से रहें। आई होप आप सबको ये चैप्टर अब समझ आ गया होगा। थैंक यू।